नमस्कार दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म से अलग होने की खबर ने हाल ही में हेरा फेरी 3 की चर्चा को काफी बढ़ाया है। इसी बीच हेरा फेरी के लीड एक्टर सुनील शेट्टी ने फिल्म में अक्षय कुमार की मौजूदगी को लेकर बड़ी बात कही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की जोड़ी ने स्क्रीन पर जो कमाल दिखाया उसे दर्शक आज भी भूल नहीं पाए हैं। लेकिन पिछले दिनों खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन हेरा फेरी 3 में राजू के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो प्रशंसकों को रास नहीं आया था। अक्षय कुमार के अलावा दर्शक किसी को भी राजू के किरदार में देखना नहीं चाहते हैं। अक्षय कुमार ने फिर साफ कर दिया था कि उन्होंने खुद इस फिल्म से किनारा किया है। जहां कार्तिक की एंट्री से बवाल मचा हुआ, वहीं अब सुनील शेट्टी ने बयान दिया है कि वह कोशिश करेंगे कि अक्षय को फिर फिल्म में वापस ला पाए। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि कार्तिक आर्यन ने हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। इस बारे में अक्षय कुमार ने भी कुछ दिनों पहले ही बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद न आने की वजह से उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है। अक्षय कुमार द्वारा हेरा फेरी 3 से बाहर होने की पुष्टि के कुछ दिनों बाद इस फ्रेंचाइजी के उनके सहकलाकार सुनील शेट्टी ने मीडिया के सामने उम्मीद जताई कि राजू के किरदार में अभिनेता वापस आ सकते हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि वह अक्षय के फिल्म में ना होने से काफी हैरान थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह निर्माताओं से बात करेंगे और उनके साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे कि अक्षय फिल्म में वापसी कर पाए। पिछले हफ्ते हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षय कुमार ने खुलासा किया था कि यह फिल्म पहले उन्हें ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म ना कर पाने का उन्हें बहुत दुख है और जिस तरह से चीजें बदल रही है उसे लेकर वह खुश नहीं है। अब इसके बारे में एक मीडिया संस्था से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, सब कुछ ट्रैक पर था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अक्षय कुमार अब इसका हिस्सा नहीं है। धारावी बैंक का प्रमोशन पूरा हो जाने के बाद मैं फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के साथ बैठूंगा और समझूंगा कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अक्षय, प्रेस और मैंने फिल्म के लिए हामी भर दी थी और इस ट्विस्ट ने मुझे चौंका दिया है। सुनील शेट्टी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह अभी भी उम्मीद करें कि चीजें ठीक हो सकती है। सुनील शेट्टी ने कहा, हेरा फेरी 3 अक्षय के बिना पहले जैसी नहीं हो सकती। राजू, बाबू भैया और श्याम मुख्य और पॉपुलर क्रिएटर्स हैं जिनका इस फिल्म में सफर एक साथ रहा। जब भी कोई इस फिल्म के बारे में बात करता है तो उसका उत्साह साफ नजर आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चीजें अभी भी ठीक हो सकती है। आपको बता दें, हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी, वहीं फिर हेरा फेरी साल 2006 में सिनेमाघरों में आई थी। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।